वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। तो क्या हाल चाल आपके? अभी कुछ 11 बज रहे हैं और मैं जस्ट अभी नहा के आया था और मेरे को पता नहीं आज क्या है कि भाई सुबह सुबह पता है मौसम साफ था, अचानक से बारिश का माहौल बन गया और लगातार 1 घंटे तक यहाँ बारिश चली है। तो यार मैं एकदम ठंडा मौसम हो चुका, तो मैं नहाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, बट अभी थोड़ी धूप आई है तो ठीक है, तो मैं नहा के आया हूँ अभी जस्ट अभी। तो मैंने सोचा चलो आज ब्लॉग शूट कर लेते, क्योंकि मेरा आज बिल्कुल ब्लॉग शूट करने का मन नहीं था, क्योंकि यार एक तो मेरी जो आज की वीडियो थी उसने बहुत कॉपीराइट क्लेम ने बहुत इशू कर दिया, मैं हटाने का बहुत कोशिश किया था बट वो हट के नहीं दिया किसी भी हालत में। पता नहीं क्या है, गाना का इशू था, मैं गाना चेंज नहीं कर सकता था क्योंकि यार उसके अलावा कोई गाना अच्छा भी नहीं लग रहा था मैं, ठीक है। सो फिर ऐसा हुआ तो फिर यार बहुत टाइम लग गया उसको करने में, तो मैं आज पूरे दिन फ़ोन पे लगा रहा, मेरी तो आँखें भी एकदम दर्द कर रही हैं थोड़ी बहुत। सो अभी क्या है, शहरी पीछे सो रहा है तो अभी अंदर सब टीवी देख रहे हैं, तो आगे व्लॉग्स कंटिन्यू करते हैं हम। चल रहे सबके, ये घर में एक लड़के के रूप में, ठीक है, हेयर बैंड है ना, ओ तो हटा लिया लड़के ने, बड़े बाद जुल्फे जुल्फे लहराने का शौक है। कैमरा है, गिर जाएगा। अच्छा चले कॉपी करना आता सिर्फ। ओ भाई कॉपी, मेरे डायलॉग तो चुरा लेते हैं, मेरे गाने भी चुरा लेते हैं। हाँ तू ही तो हो रही है सिंगर कंपोजर, सारी सारी चीज तू ही तो हो रही है, और क्या। हाँ बन जाए शेरी। ओए कटवाओ भी चुन्नी, मम्मी की है पता ना, सुबह डांट खा पिट रही है मम्मी से। ओए तेरी बड़ी शैतान हो गई है, इसके चारों दांत मैंने ही तोड़े थे, दोबारा तोड़ने पड़ जाएंगे, उग रहे हैं वैसे पर अभी उगने दो, बाद में अभी तो छोटी है तो उगते रहेंगे दांत इसके टूटने के बाद भी, बड़े होने के बाद तो शायद उगते हैं कि नहीं इतना कन्फर्म नहीं पता, क्योंकि ये दूसरा डॉग है जिसके मैंने दांत तोड़े हैं। इससे पहले भी एक जर्मन शेफर्ड था घर में, वो किसी और का था पर उसके भी दांत मैंने ही तोड़े थे। डायलॉग ओए छोड़ दे, मम्मी मारेंगी। शहरी इधर 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 कहाँ भाग रही है, कहाँ भाग रही है, क्या है ये? मम्मी क्लिप्स उठा के ले आई है तो गोल। फिर अरे पत्ते निकाल लिए, बड़ी शैतान हो गई है। वीडियो शूटिंग खा गई, बच गई, नकली पत्ते उठा के लेके चली गई पागल लड़की, तोड़ दिया बच। ले आ अंदर आ शेरी, अंदर आ शेरी। अभी करीब दो बजने वाले हैं, 5-6 मिनट होंगे 2 बजने में करीब, और मैं अभी खाना खा के बैठा ही था, मेरे को नींद आई थी बहुत भयंकर, पर मैं इस व्लॉग के कारण नहीं सो पाया मैं, क्योंकि मैंने आज कुछ भी शूट नहीं किया था अभी तक, तो कुछ तो शूट करना ही था मुझे। इन लोगों के ध्यान नहीं देना, अगर सुनाई दिया होगा तो वीडियो में इन लोगों पे ध्यान नहीं देना, ये ऐसे ही फालतू लोग बोलते रहते हैं ऐसे, कहना जब आगे लोग बढ़ने लगते हैं तो पीछे से बोलने वाले बहुत सारे आ जाते हैं। सो जल्दी पबजी आने वाला है और मैं अपना गेमिंग चैनल सोच रहा था बनाने की, बट पबजी आने में सुनने में 1 महीना लग रहा है, शायद मेरा नया फ़ोन भी इतने रेंज में आ जाए, अब देखते हैं क्या होगा। तो कुछ बंदे हैं जिनको पबजी बहुत पसंद है, उनसे पूछते हैं क्या कैसे लग रहा है पबजी अगर वापस आने के बाद। आपको लग रहा है अगर पबजी आ गया, वैसे भी 11 बजे तक जगते हो, अब कितने बजे तक जगोगे? जब तक मन करे, जब तक फोन में बैटरी रहेगी, जब तक जगा रहूंगा मैं। हाँ। तू खेलती है सही बोल लिया हाँ सही बोल लिया, यानी कि तुम्हारा जब तक मन करेगा या बैटरी करेगा, बैटरी का, और बैटरी के मन से चलोगे, यानी कि बैटरी के मन से चलोगे? हाँ क्यों, तुम्हारा मन नहीं है? बंद करो हाथ जोड़ के मैं।
हाँ मन डोलिए है, गाने को रियलिटी में ले आओ, कॉपीराइट क्लेम अभी अभी लगा मैं इस वाली वीडियो में और लग जाएगा मेरा गाना सुन के तो YouTube बिना वीडियो देखे कॉपीराइट मार दे, कॉपीराइट मार, तीसरी वीडियो में कॉपीराइट लग जाएगी तो मेरे इस वीडियो में देखो, इसलिए कहता हूँ तेलुगु मूवी कम देखा करो, उंगली दिखाना काट डालूंगा। मैं तो वेट कर रहा हूँ कब आए पबजी मोबाइल इंडिया। अरे अपने आप आ जाएगा, बेशक 3G मोबाइल में चलाऊंगा पर मेरे में 2GB है। मजाक से हट के 2GB रैम है मेरे वाले फ़ोन का यार। पे दो बंदे तो और मिल गए यहाँ पे वेट कर रहे हैं जो पबजी का, और मैं बहुत ज़्यादा वेट कर रहा हूँ पबजी का, कल आएगा कल ही डाउनलोडिंग बढ़ा लूँगा चाहे मेरा डेटा ख़त्म हो जाए, पर उधार ले लेके करूँगा 10 रुपये उधार। हाँ हो तो जाएगा पर डेटा तो हमारा लग रहा है तब भी, पर डेटा ख़त्म हो गया फिर तो पबजी गया गया। हाँ वो कल के लिए वेट करना पड़ेगा ना क्योंकि तब तो चलेगा नहीं, और जब तक पोस्टपोन्ड की भी कंफर्म डेट नहीं आती ये पेपर कब तक है तब तक तो भाई मौज ही मौज करना है, और ऐसा ना हो कि अगले दिन पेपर 1 जून के बाद ही कह दे 5 जून को तुम्हारा पेपर है, रेल बन जाए कसम से बहुत गंदी रेल बन जाएगी यहाँ पे, मतलब जो व्लॉग दिख रहे हैं ना रेगुलर वो ऐसे दिखेंगे एक महीने बाद वन मंथ एगो। ओ माय गॉड इतनी बदसूरत कैसे लग रही हो, दिल से इस तरीके के मतलब ओवर कॉन्फिडेंस ना हो कि मतलब मैं अच्छी लग रही हूँ, क्या पता फिर कुछ और हो जाए फ़ोन ना मिले स्नैपचैट। हाँ दैट्स राइट, सो गाइस ख़त्म करते हैं आज के ब्लॉग को और यहीं पे एंडिंग होती है आज के ब्लॉग की, मिलते हैं किसी और ब्लॉग में, और मैं आज अब मैं जाऊँ सोने, बाय बाय।